वेलकम टू कैपिटल फाइनेंशियल प्लानर और मैं रोहित द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब व्यूअर्स का और दोस्तों का। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है प्राइस सेक्शन के बारे में। प्राइस सेक्शन क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ट्रेड में हमारे हेल्पफुल करता है, ये सारी चीज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि प्राइस सेक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो प्राइस सेक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरह से मार्केट की बिहेवियर को नोट करता है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, यानी कि मार्केट में प्राइस किस तरीके से अप और डाउन होता है, ये इस चीज को शो करता है प्राइस सेक्शन, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है प्राइस सेक्शन में वो है इसके दो पार्ट, जिसको बोलते हैं एक सपोर्ट होता है। यहाँ पे सपोर्ट क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोर्ट किस तरीके से वर्क करता है, क्या होता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है रेजिस्टेंस, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ सपोर्ट का, ये प्रॉपरली आप देख पा रहे होंगे कि सपोर्ट नीचे प्राइसेस जो है बार बार नीचे टच कर रही है लेकिन नीचे जा नहीं पा रही है, तो ये एक सपोर्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको एक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है जिसमें बार बार प्राइसेस नीचे से ऊपर हुई है और एक जगह पे आके रुकी है और एकदम से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुई है और एक प्राइस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज मैं आपको बताऊंगा, पूरी प्राइस सेक्शन में आपको दिखाऊंगा। मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमें काम करना है और किस तरीके से वर्क करता है। जैसा कि मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक्स बता चुका हूं और यहां पे मैं कुछ लाइव दिखाऊंगा और प्रॉपरली चेक करके बताऊंगा कि कैसे। यहां पे एक चार्ट ओपन है मेरे पास, ठीक है, क्रूड ऑयल का ये चार्ट है, ठीक है। तो यहां पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और एवरी डे का देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है। तो ये देखिए 14 फरवरी का है ये, और इस पर मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्राइस एक्शन में। बहुत ही इजी है और बहुत ही वर्किंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लाइन ले लेंगे सबसे पहले, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है पर्टिकुलर 2 या 3 हाई टच करने चाहिए ताकि हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाएं। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, सिमिलरली लो के लिए भी सिमिलरली 1, 2, 3 जो है कम से कम आपके लो टच होने चाहिए। तो यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे ही देखिए, यहाँ पे एग्जांपल का भी बहुत अच्छे से शो हो रहा है कि यहाँ पे जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया है मार्केट में अप ट्रेंड बना है और मार्केट 40-50 पॉइंट की तरफ अप चला गया है। तो ये एवरीडे फॉर्म होता है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक हाई है यहाँ पे, और ये देखिए ये एक प्राइस जो है सपोर्ट बना है और जैसे ही इसको ब्रेक किया है नीचे की तरफ आने लगा है, ठीक है। सिमिलरली बड़ा सपोर्ट भी यहाँ पे बना है, ठीक है। जैसे ये बड़ा सपोर्ट है तो इसके नीचे जब आया, यहाँ पे ये बड़ा सपोर्ट है इसके नीचे आया तो मार्केट में एक तेजी से गिरावट आई, ठीक है। तो छोटे और बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस प्राइस है और ये वाली प्राइस जो है इसकी सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट ऊपर की तरफ रहा है। तो दोस्तों मेरा पूरा ये वीडियो जो है वो हॉरिजेंटल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में है। आने वाले समय में मैं आपको इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल लाइन, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बताऊंगा और 1 मिनट से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अभी तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको बताऊंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बताऊंगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो जिन लोगों को भी अगर ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा बड़े लेवल पे सीखना है, वो मुझे मेरे कंपनी की डिटेल्स मेरी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। प्राइस सेक्शन की हर एक वो चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं कैपिटल एक्वायर आपको प्रोवाइड करेगा, रोहित द्विवेदी आपको प्रोवाइड करेगा। तो इस पूरे वीडियो में हमने लर्न किया कि कैसे हम प्राइस सेक्शन ड्रॉ करें और कैसे हम एक अच्छा रिटर्न बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइव दिखा चुका हूँ आपको और भी बहुत सारे जैसे जगहों पे बना है, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और जैसे ही इसको मार्केट ब्रेक किया नीचे की तरफ मार्केट आया। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच।